दोस्तों, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट जितने भी हैं उन सभी के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज है कि जो जो अप्लाई किया हुआ था सिक्स क्लास के लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स, यानी कि सिक्स क्लास के जो भी है 21-22 का जो ये है दोस्तों, इसका एग्जाम होगा 11 अगस्त 2021, यानी कि 2-3 दिन के बाद दोस्तों। इन ऑल द स्टेट, यानी कहने मतलब सभी स्टेट में एक ही दिन होगा। इसका एडमिट कार्ड दोस्तों आ चुका है, और एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक, हियर पे क्लिक करेंगे। उनसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट गूगल में आएंगे और नवोदय विद्यालय सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ऊपर में ये लिंक आ जाएगा navodaya.gov.in, इन पर सिंपली आपको क्लिक करना है, फिर आप उसी प्रकार के पेज पर आ जाएंगे। वैसे इसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आएंगे और ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा जो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड है, यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना और विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है जो आपने फॉर्म फिलअप करते हुए दिया। दोस्तों बहुत सारे को ये प्रॉब्लम होता है, वो आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देते हैं तो उसका शो नहीं होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो स्कूल का डेट ऑफ बर्थ है, जो स्कूल के हिसाब से उस फॉर्म पर फिल किया गया है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे कैप्चा देके साइन इन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों साइन इन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एडमिट कार्ड यहाँ पर नीचे शो हो रहा है, इसे आपको कर लेना है यहाँ से प्रिंट। जैसे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे यहाँ से सेव, हम पे भी चलिए सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, चलिए इसे हम डेस्कटॉप पे फिलहाल सेव करते हैं, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। और फिर इसे दो पेज का दोस्तों ये एडमिट कार्ड है, आप इन दोनों को ले जाएंगे और वहाँ पर ये एग्जाम सेंटर पर, और यहाँ पर दोस्तों आप चाहे तो आधार कार्ड ले लेंगे। और यहाँ पे कुछ रिगार्डिंग दिया गया है, यहाँ पे देखिए 10:30 दिया गया है डे टाइम, और इसका जो भी दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ लेंगे और कोई भी दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे इस ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप अभी 2-3 दिन समय है दोस्तों, आप जो भी है वो सारी चीज़ कंप्लीट कर लें और इस एडमिट कार्ड को एक बार चेक कर लें। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।